नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मसाला ग्रिल्ड सैंडविच की रेसिपी बताने वाली हूँ कि कैसे बनते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है। बच्चे को आप ब्रेकफास्ट में या उनके टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें ग्रिल्ड सैंडविच बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हमने चार ब्रेड के स्लाइस ले लिया है। हमने व्हाइट वाला ब्रेड लिया है, आप चाहे तो इसे ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। दो हमने उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लिया है। हमें मैश नहीं करना है, कद्दूकस करना है। मैश करने से आलू के मोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं, तो इसलिए हमने कद्दूकस किया है। और हमें यहाँ पे दो मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट लिया है और टमाटर को भी हमने स्लाइस में काट लिया है। दो टमाटर लिया है हमने यहाँ पे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ते। और यहाँ पे हमने पिज्जा सॉस ले लिया है 2 चम्मच। 1/3 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1/3 चम्मच हमने गरम मसाला और 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 2 हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है और हमें चाहिए 2 चम्मच बटर। तो चलिए हम सबसे पहले स्टफिंग तैयार करते हैं। आलू में सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाले भी यूज कर सकते हैं, और हरी मिर्च, धनिया पत्ते और नमक। अच्छे से हम मिला लेंगे। स्टफिंग हमारा रेडी है, अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस में ये पिज्जा सॉस लगाएंगे। आप पिज्जा सॉस की जगह टमाटो केचप का भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा तवा ग्रिल सैंडविच का रेसिपी मेरे चैनल में दे रखा है, तो आपको अगर तवे में ग्रिल करना है सैंडविच को तो आप वहां से रेसिपी देख सकते हैं। अच्छे से हम पूरे ब्रेड में सॉस लगा लेंगे। चारों ब्रेड के स्लाइस में हमें लगाना है। हमने चारों ब्रेडों के स्लाइस में सॉस लगा लिया है। अब हम स्टफिंग रखेंगे। हम चम्मच से आलू के स्टफिंग इसमें पूरे ब्रेड में हम रखेंगे। ये बहुत जल्दी बनने वाले एक ब्रेकफास्ट है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। आप इवनिंग में खा सकते हैं इसे या सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे सकते हैं। अच्छे से हमने स्टफिंग रख लिया है। अब हम एक दूसरा जो ब्रेड के स्लाइस है इसके ऊपर हम रख देंगे, थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड में भी स्टफिंग रखेंगे। दोनों ब्रेडों में हमने स्टफिंग रख लिया है। अब हम इसमें टमाटर रखेंगे, प्याज के स्लाइस और एक ब्रेड से हम इसे इस तरीके से ढक देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे। प्याज, टमाटर और एक दूसरा जो ब्रेड है ढक देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे। और इसमें हम ऊपर से बटर लगा देंगे। दोनों ब्रेडों में हम ऊपर पहले थोड़ा हल्का बटर लगा देते हैं
ब्रेड सैंडविच को हम पलट लेंगे। और हम दूसरी तरफ भी थोड़ा बटर से इसे इस तरीके से फैलाते हुए लगाएंगे। दोनों सैंडविच में हमने दोनों तरफ बटर लगा लिया है। अब हम इसे ग्रिल मशीन में डालेंगे। और ग्रिल मशीन को बंद कर देंगे हम। स्विच ऑन कर दिया है हमने, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ग्रिल होने के बाद। तो हम ग्रिल होने का वेट करेंगे, चेक करेंगे। अब हम देखिए हमारा ग्रिल सैंडविच बनके तैयार है। हम प्लेट में इसे निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले ग्रिल सैंडविच बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई कीजिए और कैसा लगा आपको आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ मेरे रेसिपीज को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे नए नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगला रेसिपी लेके फिर मैं जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।